हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है पंकज। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। जो लोग नर्सरी उगाते हैं या कोई भी सीडलिंग आपको उगानी होती है, कमर्शियल लेवल पर भी आप नर्सरी जो है इस तरीके से उगा सकते हैं। आज हम आपको प्रो ट्रे में नर्सरी उगाना सिखाएंगे और बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली नर्सरी होती है। प्रो ट्रे के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। ये देखिए, इस तरीके से जो बीज है वो हमने हाइब्रिड दिया है और ये शिमला मिर्च का बीज है। आज हम बहुत सारे बीजों की नर्सरी आपको उगाकर दिखाएंगे। जितनी ये ट्रे रखी हुई हैं ये सभी हम उगाएंगे और बिल्कुल जैसे पॉली हाउस में तैयार होती है वैसी नर्सरी आपको तैयार करके दिखाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम बीज से लेकर नर्सरी तैयार होने तक जितने भी काम करने होते हैं, क्या क्या उसमें दवाएँ पड़ती हैं, क्या उसको फर्टिलाइज़र देना होता है, पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप भी प्रो ट्रे में कभी भी नर्सरी उगाना सोचते हैं और कोई भी बीज आप लगाना चाहते हैं, तो ये जो तरीका आपको बताने जा रहे हैं ये स्टेप बाय स्टेप आप ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी और इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से नर्सरी तैयार कर पाएंगे। ये देखिए, ये जो है ये मार्क यहाँ पर कर रहे हैं जो भी हम बीज लगा रहे हैं प्रो ट्रे में। अलग अलग प्रो ट्रे में अलग अलग प्रजाति का बीज जो है वो आप लगा सकते हैं और इस तरीके से उसको मार्क कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं उस पर कि कौन सा बीज आपने किस ट्रे में लगाया है। क्योंकि सारी बोने के बाद जितने भी ट्रे हैं प्रो ट्रे हैं वो तो सब एक जैसी दिखेंगी। अब देखिए, जब हम बात करते हैं इसके सॉइल मिक्सर की, तो इसमें सॉइल लेस मीडिया तैयार करना होता है। जो पॉली हाउस में तैयार करते हैं वो भी यही करते हैं। और ये जो हमने मिक्सर लिया है उसमें वर्मी कंपोस्ट ली है एक भाग और एक भाग कोकोपीट। कोकोपीट को हमने पहले ही अच्छे से दो दिन तक भिगो के रखा था, उसके बाद उसको पानी को बिल्कुल निचोड़ दिया था। कोकोपीट को कैसे यूज़ करना होता है इसका वीडियो आपको इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, जहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो ये देखिए, सारे बीज जो हमने बो लिए हैं। मीडिया आपको ध्यान रखना है, आप मिट्टी इसमें नहीं मिलाएंगे। ये देखिए, ये जो मिक्सर है इसमें हमने आधी वर्मी कंपोस्ट और आधी कोकोपीट मिलाया हुआ है। कोकोपीट जो है वो महीन वाली होनी चाहिए, अगर मोटे रेसे की लेंगे तो वो अच्छा उसमें नर्सरी तैयार नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखें। ताकि ये देखिए, छोटे छोटे जो बीज होते हैं उनको ऊपर हल्की लेयर से ही ढकना होता है इस तरीके से, और मॉइस्चर बना के रखना पड़ता है इसमें। तो इस बात का आपको बहुत ज़रूर ध्यान रखना है कि आप इसको इस तरीके से बहुत ही हल्का लेयर चढ़ाएं ऊपर बीज के ऊपर। जितना छोटे छोटे बीज होते हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा मोटाई में अगर आप जो मिक्सर है वो भर देंगे और उसके बाद पानी देंगे तो फिर वो बीज सड़ जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए, बीज आपको बोना रहता है। अब देखिए, इतनी ट्रे में हमने बीज बो लिए हैं, अलग अलग वैरायटी के हमने बीज बोए हैं। तीन चार प्रकार के बीज हमने बोए हुए हैं अलग अलग, जितने भी यहाँ पर ही देखिए स्टिकर इसमें लगे दिख रहे हैं उनमें अलग अलग हमने मार्क उनको लिख दिया, नाम लिख दिया प्रजाति का, और इस तरीके से हम बोए हैं। अब देखिए, बोने के बाद जो आपको ऊपर से मीडिया जो तैयार करना है, ऊपर जो ये ढकना है जिससे बीजों को, उसमें हल्की नमी होनी चाहिए। ये देखिए जिस तरीके से आपको दिख रहा है, इस तरीके से आप बोएं तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे बुआई करने के बाद में आपको एक स्प्रे मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप कमर्शियल लेवल पर कर रहे हैं, नहीं तो आप हैंड मशीन जो होती है हाथ वाली उससे भी स्प्रे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने पानी ले लिया है और पानी लेने के बाद यहाँ एक फंगीसाइड जो पाउडर होता है उसकी ज़रूरत आपको पड़ती है। ये फंगीसाइड आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ये साफिलाइज़र हमारे पास है लेकिन UPL कंपनी का साफ जो आता है। बस आपको ध्यान रखना है कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब दोनों होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है, तो ये दोनों मिक्सचर जो होता है बहुत ही कारगर रहता है। अगर आप इसको नहीं डालेंगे या जो लोग नहीं डालते हैं, तो शिकायत आती है कि लोग कमेंट करते रहते हैं कि हमारी नर्सरी के जो बीज पौधे निकले हुए हैं और बस निकलते ही वो गल जाते हैं, पौधे मरने लगते हैं। तो वो समस्या इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। और कोशिश करें, अगर आप देसी बीज लगा रहे हैं या आसपास आपने कहीं से कलेक्ट किए हैं बीज, तो उनको आप ट्रीटमेंट उनका ज़रूर करें, बीज उपचार ज़रूर करें। क्योंकि हाइब्रिड बीज जो आते हैं वो ज़्यादातर उनका बीज उपचार जो है कंपनियाँ करके देती हैं, तो बीज उपचार करने से भी काफ़ी जो बीमारियाँ होती हैं फंगस वाली उनसे बचत हो जाती है। और इस तरीके से देखिए, स्प्रे करने के बाद में हमने क्या किया है, उस पानी से जो स्प्रे किया था इससे इसमें जो है नमी भी अच्छी हो गई है। अब इसको इस तरीके से हमने ट्रे के ऊपर ट्रे रख दिया है, 2 से 3 दिन के बाद इनको हम उतार कर सेमी सेड एरिया में रखेंगे जहां इनका धीरे धीरे जर्मिनेशन होने लगेगा और जब ये अंकुरण निकल आएंगे तब इनको धूप में रखेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए आज 12 दिन के बाद नर्सरी का रिजल्ट है। ये 12 दिन में नर्सरी देखिए आप कितनी अच्छी जर्मिनेशन नर्सरी का हुआ है। और इस तरीके से आप 100% जर्मिनेशन भी ले सकते हैं यदि बीज की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो जितने भी आप बीज बोएंगे उतना जो है बीजों का अंकुरण हो जाता है, और यदि बीज की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो 70 से 75% जो जर्मिनेशन होता है। जिस हिसाब से बीज आपका अच्छा होगा उस हिसाब से आपको पौधे मिलेंगे।
एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर आप छोटे ट्रे वाली जो छोटे होल वाली ट्रे ले रहे हैं तो उसमें कोशिश करें कि एक एक बीज ही लगाएं, दो बीज बिल्कुल ना लगाएं क्योंकि बाद में वो निकालने पड़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब 12 दिन की नर्सरी हो जाती है, 12 से 13 दिन की, तब यहाँ पर फिर से आपको वही काम करना है। यहाँ पर देखिए एक फंगिसाइड जो पाउडर है वो आपको लेना है और साथ में NPK 19-19-19 या फिर 18-18-18 जो भी हो वो आपको 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाना है। आपको फंगिसाइड का जो पाउडर है वो भी आपको 1 ग्राम प्रति लीटर, यानी अगर आप 5 लीटर पानी बना रहे हैं तो 5 ग्राम आपको पाउडर लेना है और 5 ग्राम आपको NPK 19-19-19 या फिर 18-18-18 जो भी आपके पास मौजूद हो वो आपको लेना है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों अवेलेबल हों वो आप कोई भी NPK ले सकते हैं। तो ये देखिए ये 10 ग्राम इसमें आता है तो 5 ग्राम इसमें हम डाल रहे हैं और 5 लीटर के आसपास हमने पानी बनाया है। ये देखिए इस तरीके से हमने घोल लिया है। इसको घोलने के बाद अच्छे से इसमें स्प्रे करना है ताकि इसमें जो डंपिंग ऑफ की बीमारी होती है, जो पौधे गलने की समस्या होती है वो भी नहीं होगी, साथ साथ पौधों की बढ़वार के लिए जो भी न्यूट्रिएंट हमको बेसिक चाहिए वो उसमें मिलते रहेंगे। एक चीज़ का ध्यान और रखें कि जब भी आप नर्सरी तैयार करते हैं और नर्सरी अंकुरण हो जाता है, जैसे ही अंकुर ऊपर निकलता है फिर आपको क्या करना है, उसको सेमी शेड एरिया में रखना है या फिर अगर जाड़ा का मौसम है तो आप खुली धूप में उसको रखें, तब जाके वो अच्छा चलेगी। और चलिए आपको दिखाते हैं आगे का अपडेट। फ्रेंड्स ये देखिए अभी 20 दिन की नर्सरी हो चुकी है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ये नर्सरी चल रही है। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसका इंतज़ाम किया हुआ है ताकि इसको हल्की धूप भी मिलती रहे और हल्की छाया भी रहे। फ्रेंड्स अभी यह नर्सरी 20 दिन की हुई है और अभी लगाने के लिए थोड़ा कम तैयार है, थोड़ा पौधे छोटे दिख रहे हैं, इसलिए एक जो स्प्रे हमने और कर दिया है सेम उसी चीज़ का किया है स्प्रे, यानी जो आपको 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से NPK लेना है और 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको फंगिसाइड डाल के स्प्रे कर देना है जब आपकी नर्सरी 18 से 20 दिन की हो जाती है तब। कुछ हमारे फ्रेंड्स कमेंट किए थे पिछली बार जब हमने वीडियो डाला था कि क्या हम इसमें मिट्टी मिला सकते हैं या इसमें बालू मिला सकते हैं क्या, तो देखिए सबसे इसका सबसे सरल जवाब ये है कि अगर आप इसमें जो प्रोट्रे होता है इसके जो होल होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, अगर आप इसमें सॉइल मिलाएंगे, मिट्टी मिलाएंगे या बालू मिलाएंगे तो ये जो मिक्सर होता है वो सख्त हो जाता है, इसलिए उसमें बीजों का अंकुरण तो हो जाता है लेकिन पौधे की जो बढ़वार होती है, जड़ों का जो विकास होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है और पौधे आपके काफ़ी दिन ले लेते हैं, काफ़ी समय लग जाता है तब जाके वो लगाने के लिए तैयार होते हैं और बहुत ही कमज़ोर रहते हैं। तो इसलिए प्रोट्रे में ही नर्सरी उगाएं। अगर प्रोट्रे में आपको तैयार करना है पौधे तो आप इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, उसमें मिक्सर आपको बहुत ही ध्यान देना है, आप बालू या मिट्टी बिल्कुल ना मिलाएं, कोकोपीट को बहुत ही अच्छे से आपको धुलना है, धुलने के बाद आपको उसको मिक्स करना है वर्मी कंपोस्ट में, और गोबर की खाद अगर आपको मिलाना है तो आप छान कर मिलाएं उसको ताकि वो बारीक हो जाए। अब आप ये देखिए पौधे कितने हेल्दी हैं, आप देख सकते हैं कि इसकी रूट कितनी अच्छी डेवलप हुई हैं और इनको जैसे ही आप लगाएंगे तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है प्रोट्रे का कि जो अगर आपके खेत में आपको लगाना है या गमलों में लगाना है, तो यदि कोई आप ऐसे पौधे नर्सरी ज़मीन में लगा रखी है क्यारी में, वहाँ से पौधे उखाड़ कर लाते हैं और उनको शिफ्ट करते हैं, लगाते हैं खेत में या गमले में, तो 4-5 दिन तो वो ले लेते हैं, उनको संभलने में लग जाता है, पौधे को सेट होने में लग जाता है समय और उसके बाद उनकी ग्रोथ शुरू होती है। लेकिन प्रोट्रे से आप जैसे ही उखाड़ कर पौधे लगा देंगे इस तरीके से उसका जो रूट बॉन्ड है वो टूटता नहीं है और लगाते ही लगाते पौधे जो है ग्रोथ करने लगते हैं और फसल में भी 1 हफ्ते से 10 दिन पहले ही फ्रूट आने लगते हैं दूसरों की अपेक्षा जो लोग नर्सरी क्यारी में तैयार करते हैं और उसके बाद लगाते हैं। तो ये देखिए बहुत ही हेल्दी नर्सरी तैयार होती है, आप घर पर तैयार कर सकते हैं। तो आज दोस्तों जो हमने वीडियो आपको बताया है जिस तरीके से, अगर आप इस तरीके से नर्सरी तैयार करते हैं तो हमारी कोशिश रही है कि हम हर स्टेप बाय स्टेप आपको बताएं। अगर हमारे द्वारा जानकारी आपको दी गई जो है वो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे किसान भाइयों को, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें और इस तरीके से घर में नर्सरी तैयार कर सकें। और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, हम उसका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करेंगे।